दोस्तों इस्लामी सिद्धांत के अनुसार इंसान को पृथ्वी पर सिर्फ इम्तहान यानी परीक्षा के लिए भेजा गया है। इस परीक्षा का परिणाम सजा और जजा यानी इनाम के रूप में दुनिया में भी कामयाबी और नाकामयाबी और मौत के भी स्वर्ग और नर्क के रूप में होता है। ये परीक्षा विभिन्न रूपों में होती है। मान लीजिए कि इंसान अगर धनवान है तो धन उसकी परीक्षा है कि उस धन से वो गरीबों की मदद करता है या नहीं। इंसान अगर गरीब है तो गरीबी उसकी परीक्षा है कि गरीबी में भी वो कोई शिकायत ना करे। इसी तरह कोई अपाहिज है या ताकतवर है तो ये भी उसके लिए परीक्षा ही है। यहाँ तक कि इंसान की औलाद भी उसका इम्तहान ही है कि वो उसकी सही तरह से उसकी परवरिश करता है या नहीं, औलादों को जहीन बनाता है या पागल बनाता है, ये सब कुछ उसका इम्तहान ही है। इस परीक्षा में जो सब्र से रहा और अल्लाह का शुक्र किया और उसी की इबादत करी तो इसका परिणाम कामयाबी या नाकामयाबी के रूप में होगा। ईद उल अजहा जिसे आम बोलचाल की भाषा में बकरीद कहते हैं, इसी परीक्षा का एक नाम है जिससे मनुष्य मात्र को अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए ये दिखलाया कि मानव को किसी भी इम्तहान में घबराना नहीं चाहिए बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते जाना चाहिए क्योंकि इसी में कामयाबी है। ईद उल अजहा इम्तहान की एक ऐसी दुर्लभ घटना का नाम है जिसमें इश दूत यानी पैगंबर ने मानव जाति के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो कि नामुमकिन था। इस घटना में इश दूत यानी पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईश्वर की तरफ से एक मिला कि वो अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करें जिसके बदले में उन्होंने अपने मासूम बेटे जिसे उन्होंने 90 साल की उम्र में पाया था उसको कुर्बान करने का फैसला लिया। और इस फैसले में सिर्फ वो ही नहीं राजी थे बल्कि इसमें उनकी पत्नी और वो खुद मासूम बच्चा भी शामिल था जिसको कुर्बान होना था। दोस्तों कुर्बान जाइए ऐसे शख्सियत ऐसे पैगंबरियत पर जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के रूप में परवरिश किया था, वो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। कि किस तरीके से एक बाप यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्रति अपने बच्चे को तरबियत दी थी कि किस तरीके से अल्लाह की राह में अगर कुछ भी उनसे सवाल किया जाए तो उसका बिना कोई रोक टोक बिना कोई सवाल जवाब अल्लाह की राह को बिना कुछ सोचे उसमें कर गुजर जाएं। दोस्तों इस फैसले में सिर्फ वो ही नहीं राजी थे बल्कि इसमें उनकी पत्नी और वो खुद मासूम बच्चा भी राजी था जिसको कुर्बान होना था। लेकिन सर्वशक्तिमान अल्लाह का वो कुर्बानी नहीं चाहिए था बल्कि मानव जाति को ये संदेश देना था कि कामयाबी सिर्फ उसकी फरमाबरदारी यानी आज्ञाकारी में ही है। इम्तहान की ऐसी अजीम महान घटना को याद करते हुए मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं और ये अहद यानी वादा करते हैं कि हम अपनी नफसानी ख्वाहिशों की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के बजाय ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। कुर्बानी का मतलब यहाँ ऐसे बलिदान से है जो दूसरों के लिए दिया गया हो। बकरे या फिर अन्य जानवरों की कुर्बानी केवल एक प्रतीकात्मक कुर्बानी होती है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह के पास कुर्बान किए गए जानवरों की हड्डियां, मांस और खून नहीं पहुंचता, यानी कुर्बानी देने का वो जज्बा पहुंचता है। यह कुर्बानी हमें याद दहाने के लिए अजमाया जाता है कि हम मौजूदा दौर में समाज की भलाई के लिए क्या दे सकते हैं। दोस्तों बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह के नाम पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के गोश्त को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक खुद के इस्तेमाल के लिए, दूसरा गरीबों के लिए और तीसरा संबंधियों के लिए। वैसे ज्यादातर लोग सभी हिस्से का गरीबों में बांट देने का फैसला ले लेते हैं। इस तरह आप समझ लीजिए कि ईद उल अजहा त्याग और बलिदान की सीख देने का त्योहार है। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दृढ़ और अटिक इच्छा का उत्सव है जिन्हें अल्लाह सुभान ताला ने उनके इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का आदेश दिया था। फिर भी अंतिम क्षण में एक चमत्कार हुआ और उनके प्यारे बेटे की जान बच गई। कुर्बानी बलिदान वह है जहां मुसलमान पूर्ण और निस्वार्थ भक्ति के इस विनम्र कार्य को कर सकते हैं। हर साल सैकड़ों मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अनुसार कुर्बानी देते हैं। पशु की कुर्बानी के बाद उनके मांस को तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक हिस्सा कुर्बानी देने वाले के लिए, एक हिस्सा पशु प्रदान करने वाले मुसलमान के परिवार के लिए और एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। कुर्बानी के जानवर को खरीदना या उसका प्रावधान करना जिसे कुर्बानी की कीमत चुकाना भी कहा जाता है हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है जो आर्थिक रूप से ऐसा करने में सक्षम है। कुर्बानी के सख्त नियम भी हैं कि किस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है, जिसमें जानवर की प्रजाति, उसकी गुणवत्ता, उसकी स्वास्थ्य, उसकी स्थिति और उसे कैसे कुर्बान किया जाना चाहिए, इस बारे में अतिरिक्त निर्देश शामिल
कुरान और हदीस के माध्यम से हमें मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि असल जो कुर्बानी का मकसद है वो मुसलमानों के प्रति क्या है। क्या जानवरों को बलि देना ही या जानवरों को कुर्बान कर देना ही इस्लाम का ये मकसद है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लाम का मकसद सिर्फ ये बताना है कि जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की आज्ञा के अनुसार जो अल्लाह ने कह दिया उसके आज्ञा को पूर्ण रूप से कर देने के लिए, उनके आज्ञा का आज्ञाकारी होने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना। ये फैसला उनका हमें सिखाता है कि हमें भी अल्लाह की राह में अगर जो अल्लाह कह दिए हैं, चाहे वो कुरान के माध्यम से या वो हदीस के माध्यम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो अल्लाह ने हमें फरमाबरदारी करने का हुक्म दिया है, उसको हम बिना इसमें कुछ सवाल जवाब किए उसमें हम उसकी राय के अनुसार उसे कर गुजरे। ये हमें शोभा नहीं देता कि हम अल्लाह के राह में, अल्लाह द्वारा बताए गए हुक्म में हम जो है उसके प्रति सवाल जवाब करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।